सीएम योगी पर अखिलेश ने इशारों इशारों में किया वार, क्या योगी करेंगे पलटवार? अखिलेश ने इंग्लिश में कहा, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, हिंदी में मतलब निकला, पुरानी आदतें मुश्किल से मरती हैं। बीजेपी की कौन सी पुरानी आदत है जो अब तक गई नहीं, जिस और अखिलेश ने इशारा कर दिया? वो कौन सी बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों इशारों में कही जिस पर समझने वाले समझ गए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसे अपने उपलब्धि करार देते हैं, उसी उपलब्धि पर अखिलेश ने बड़ा बात इंग्लिश में एक बात कहकर किया, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। अगर हिंदी में इसका मतलब निकाला जाए तो मतलब निकलता है पुरानी आदतें मुश्किल से मरती हैं। तो मुख्यमंत्री योगी, उनकी सरकार और बीजेपी की ऐसी कौन सी आदत है जो बहुत पुरानी है, अब तक वो अपनी उस आदत का इस्तेमाल कर रहे हैं? अखिलेश ने जब से ये बात कही तब से विश्लेषण करने में लगे हैं, पता कर रहे हैं। अखिलेश के एक शब्द को शब्दों की कसौटी पर अखिलेश की ओर से पेश किए गए शब्दों की गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। सबसे पहले अखिलेश ने क्या कहा उसे सुनिए। मैंने बोला इनसे स्वास्थ्य की सेवाओं को पूछोगे तो तमंचा बोलेंगे, इनसे पूछेंगे आपने वादा किया था कि पढ़ाई सस्ती होगी तो बोलेंगे तमंचा, आप उनसे पूछेंगे ट्रेन व्यवस्था नहीं ठीक पा रहे बोला तमंचा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो तमंचा, नदियां साफ नहीं कर पाए तो तमंचा। इसीलिए मैंने कहा कि ओल्ड हैबिट्स हाउ टू डाई, महंगाई पे सवाल करोगे तो कहेंगे तमंचा, बेरोजगारी की बात पूछोगे तो कहेंगे तमंचा, आखिरकार है क्या इनके अंदर? अखिलेश कह रहे हैं सरकार से किसी भी समस्या पर सवाल पूछो तो जवाब में सिर्फ तमंचा बोलते हैं, ये बीजेपी का दिवालियापन है। सांड की समस्या पूछो तो तमंचा, सड़क में गड्ढा है तो तमंचा, जिन्हें ध्यान हटाना है वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जो महंगाई के सवाल हैं, आज बताइए सिलेंडर कीमत क्या है, किसान का गेहूं खरीद लिया, आप जो पैकिंग में आटा खरीद रहे हो कितना महंगा खरीद रहे हो, एक परिवार में महिला समझती है कि इस सरकार की महंगाई की वजह से घर के कितना संकट आ गया है, सिलेंडर महंगा, दाल महंगी, आटा महंगा, आपके जितने भी तेल है खाने पीने के सब महंगे, महंगाई का जवाब नहीं है। इनके लिए अंग्रेजी की कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी पुरानी आदतें मुश्किल से मरती हैं। ये कहावत मैंने इसलिए बोली क्योंकि जो सुनेंगे वो समझ जाएंगे कि वो क्या कह रहा है। अब जिन्होंने अखिलेश की कही बात को समझा और विश्लेषण किया तो बता रहे हैं, अखिलेश तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए योगी की पुलिस जिस तरह से एनकाउंटर कर रही है, उसे जिस तरह से योगी सरकार और बीजेपी जस्टिफाई कर रही है, उसी के लिए अखिलेश ने तमंचे शब्द का इस्तेमाल किया। अब मतलब निकालने वाले निकाल रहे हैं। इधर अखिलेश बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव शहरों का है, बीजेपी को बताना होगा कि उनकी लगातार सरकार है फिर भी शहर बर्बाद क्यों हो रहे हैं। अब देखने वाली बात है बीजेपी इस पर क्या जवाब देगी।